भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी हो रही है। मंगलवार यानी कि 2 नवंबर को देश में कोविड 19 के दैनिक आंकड़े 11,000 से कम आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 10,423 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 443 लोगों की कोविड से मौत हुई है। देश में बीते 24 घंटे में 15,021 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,53,776 है, जो कि 250 दिनों में सबसे कम है। देश में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 4,58,880 है। देश में कोरोना के कुल मामले 3,42,96,237 है। वहीं कोरोना से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 3,36,83,581 है। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 1,06,85,71,879 है। भारत में 16 जनवरी 2021 से कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ था। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।